गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के टारगेट 20 चित्रकला के रिवीजन क्लास के आज के इस वीडियो में। मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं रिवीजन क्वेश्चनों के कुछ सीरीज बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो चलिए फटाफट कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए, लाइक और शेयर करना शुरू कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि अगर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के मॉर्निंग वीडियो का पूछ रहा है, गांधी जी ने वेकंटप्पा के बारे में किस में लिखा है? हिंदुस्तान टाइम्स में, यंग इंडिया, बंगाल गजट या रूपम पत्रिका? तो गांधी जी ने वेंकटप्पा जी के वेंकटप्पा जो हैं उनके बारे में लिखा है, जिसमें मित्रों वो है यंग इंडिया। कौन है? यंग इंडिया के बारे में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? हरा, बैगनी, गुलाबी या स्वर्ण? तो जो पाल शैली है उसमें जिस रंग का प्रयोग नहीं हुआ वो कौन सा रंग है मित्रों? वो रंग है स्वर्ण रंग। कौन सा रंग है? स्वर्ण रंग है। ठीक है, अगला है, पोथी चित्रण आरंभ किस शैली में हुआ? मुगल में, जैन में, पाल में या राजपूत शैली में? तो जो पोथी चित्रण का शुरुआत हुआ है वो किस शैली में हुआ है? तो मित्रों वो हुआ है आपके पाल शैली में। किस शैली में? पाल शैली में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, बोधगया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया? देवपाल ने, धर्मपाल ने, गोपाल या मेदनीपाल ने? तो बोधगया जो है वो आपका कहाँ है? वो बिहार में है, और उसमें महाबोधि का मंदिर है, वो किसने बनवाया? तो मित्रों वो बनवाया है आपका देवपाल ने। ए इज़ द राइट आंसर चौथे का। ठीक है, अगला है, गंध व्यू में कितने चित्र मिले? 125, 126, 124 या 127? तो जो गंध व्यू है उसमें चित्रों की संख्या क्या थी? तो मित्रों उसमें चित्रों की जो संख्या थी वो थी 126। क्या थी? 126। ठीक है, भारत में पाल शैली के चित्र कहाँ अधिक मिले हैं? असम में, बिहार में, गुजरात में या कोलकाता में? एक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, कल जो रात में हम लोगों ने वीडियो डाला था उसमें एक क्वेश्चन था कोई, जिसको मैंने जो है ऑप्शन 16 बोला है लेकिन टिक जो है 6 पे लगा दिया है। ध्यान दीजिएगा, कई लोगों का कमेंट भी था, तो जो ऑप्शन मैंने बोला है वही सही है, टिक शायद गलत जगह लग गया है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, रखिएगा, ठीक है, कि उसका आंसर जो मैंने जबान से अपने बोला है वही सही है, टिक शायद 16 की जगह 6 लग गया है, गुफाओं की चित्रकला से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने डाला था। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। अगला है, पांडुलिपि के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? ताड़ का पत्ता था, नारियल का पत्ता था, पीपल का पत्ता या कागज था? तो जो पांडुलिपि जो लिखी गई उसके लिए जो है प्राचीनतम माध्यम क्या रहा बनाया गया उसका, तो वो था आपका मित्रों ए, ताड़ का पत्ता। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, कागज का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ है? 10वीं शताब्दी में, 12वीं, 14वीं या 15वीं शताब्दी में? तो जो कागज का आविष्कार का समय रहा है मित्रों वो आपका रहा है सी, 14वीं शताब्दी में। क्या रहा है? 14वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार। ठीक है, 8 का राइट आंसर सी। अगला है, भित्ति चित्र किस भाषा में उत्पन्न शब्द है? फ्रेंच में, इंग्लिश में, जर्मन में या इटालियन में? तो जो भित्ति चित्र हम लोग कहते हैं बार बार वो किस भाषा का जो है उत्पन्न शब्द है भित्ति चित्र? तो मित्रों 9वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंग्लिश भाषा का। किस भाषा का? इंग्लिश भाषा का। अगला है, होली फैमिली का चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो, सेजा, रेब्रा या लियोनार्डो द विंची? तो जो होली फैमिली है उसके चित्रकार कौन है? तो मित्रों उसके जो चित्रकार हैं आपके वो हैं माइकल एंजेलो। कौन है? ए इज़ द राइट आंसर, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ थे, क्या थे? वास्तुकार थे, मूर्तिकार थे, साहित्यकार या संगीतकार?
तो माइकल एंजेलो साहब जो थे वो चित्रकार के साथ साथ क्या थे, तो वो थे मित्रों मूर्तिकार भी, इज़ द राइट आंसर। माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है, रेखा के, स्पेस के, प्रकाश व छाया के, या तीनों के। तो रेब्रा की जो चित्रकला है इनमें से कौन से प्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है उनकी चित्रकला, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश एवं छाया का, ठीक है। प्रकाश एवं छाया के लिए स्पेशली रेब्रा की जो है चित्रकला प्रसिद्ध रही है। अगला है, नर्तकी की मूर्ति का दाहिना हाथ कहाँ टिका है। तो जो आपकी नर्तकी मिली थी कांस्य की, ठीक है, तो उसका जो दाहिना हाथ है वो उस मूर्ति में कहाँ टिका हुआ है, घुटने में, सिर पर, कोहनी पर, या कमर पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कमर पर। नर्तकी का जो हाथ है वो एक जो है कमर पे टिका हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ से मिली, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा, या रोपड़ से। तो दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति जो हमें मिली है वो कहाँ से मिली है मित्रों, तो आपकी मिली है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से, 14 का राइट आंसर बी, ठीक है। अगला है, चनहूदड़ो कहाँ पर है, गुजरात में, भारत में, पाकिस्तान में, या राजस्थान में। तो जो चनहूदड़ो है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका पाकिस्तान में, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नटराज की मूर्ति के कितने हाथ हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, या 6 हैं। तो जो नटराज की मूर्ति है उसके जो हाथों की संख्या है मित्रों वो आपकी है 4, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, तांबे का हंस कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला, मोहनजोदाड़ो से, लोथल, या कालीबंगा से। तो तांबे का जो हंस हमें प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ मित्रों सी, लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, बर्तन भाड़ों पर किसका ओप लगाया गया, चांदी का, कांस्य का, सोना, या कांच का। तो बर्तन भाड़ों पर किसका ओप लगाया गया है, तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कांच का। किसका लगाया गया है, कांच का लगाया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के अन्नागार में कितने कमरे हैं, 12, 10, 5, या 9। तो हड़प्पा के जो अन्नागार है उसमें जो कमरों की संख्या है मित्रों वो आपकी क्या है, वो है 12, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों के साथ टारगेट 20 का, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, लोथल से, हड़प्पा, या रोपड़ से। तो शतरंज के बोर्ड के जो नमूने हमें प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो मित्रों वो हमारे प्राप्त हुए बी इज़ द राइट आंसर, लोथल से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल से हमें प्राप्त हुए। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये टारगेट 20 चित्रकला के बैक टू बैक रिवीजन क्लास के 20 क्वेश्चन, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये चैनल आपको सिर्फ 2 भर्तियों के लिए बस अवेलेबल है, एक तो अगर आप सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो उसके भी वीडियो इसमें जब आते हैं तो निकलते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ कला के, किसी भी राज्य का, कहीं भी कला का पेपर हो रहा हो, हर से संबंधित वीडियो आपको रोजाना इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मित्रों जुड़ना और देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कर फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की बेहतरीन जो है सीरीज, तब तक के लिए नमस्कार।